इस वीडियो में मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 15-16 साल तक के बच्चे की मेजरमेंट का तरीका बताऊंगी और ये सब मैं आपको ड्राफ्टिंग पर बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यू बॉर्न बेबी के नाक से। ये न्यू बॉर्न बेबी के मेजरमेंट का ड्राफ्ट मैंने बनाया है, तो बहुत छोटा बच्चा है इसलिए हम उसकी नाप नहीं ले सकते। तो इसकी मैंने टोटल लंबाई 12 इंच ली हुई है, जिसमें से हमारा ऊपर सिलाई का भी है और नीचे मोड़ने का भी है। तो इसकी टोटल लंबाई हमें 12 इंच लेनी है और जो मैंने चौड़ाई ली है इसकी, जो हमारी चेस्ट है वो हमने 18 इंच चेस्ट के हिसाब से इसकी ड्राफ्टिंग की हुई है और उसमें 1 से 1.5 इंच तक हम ये सिलाई के लिए ले सकते हैं। और इसको मैंने बीच में से इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, इस तरह फोल्ड करके हमें लेना है। तो उसकी चेस्ट हम 18 इंच के हिसाब से चेस्ट लेंगे, ये 4.5 इंच यहाँ पर ये इसकी फिटिंग आएगी इस, और 0.5 या 1 इंच हम सिलाई में रखेंगे। और उसका तीरा जो हमें लेना है वो 3 इंच से 3.5 इंच तक हम तीरा ले सकते हैं। मैंने 3.5 इंच लिया हुआ है, आप 3 इंच भी ले सकते हैं, 3.5 इंच भी। और जितना हमारा तीरा होता है उतने ही हम उसके मुड्ढे लेंगे, 3.5 इंच मैंने इसके मुड्ढे लिए हुए हैं इस तरह से। और इसके गले की जो चौड़ाई है वो केवल 1.5 इंच है, गले की चौड़ाई 1.5 इंच है इसकी। और जो गले की गहराई है आगे से वो भी 1.5 इंच है, और पीछे के गले में हम 1 इंच की गहराई दे सकते हैं इस तरह से। और जैसे काफी छोटा ये गला होता है तो इसलिए इसको हमें आगे से 2.5 इंच आगे से आपको खोलना पड़ेगा, या चाहे तो आप इसको पूरा भी खोल सकते हैं, आगे से या पीछे से हमें इसको खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चे के सिर में नहीं आएगा। और इसमें मुड्डों के यहाँ पर हम चाहे तो 0.5 इंच की या उससे थोड़े हम ये शेप दे सकते हैं, और अगर नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा क्योंकि छोटे बच्चे की है, इसमें फिटिंग की इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। और मुड्ढों से करीब 3 इंच नीचे हम थोड़ी सी कटिंग में शेप दे देंगे, 0.5 इंच से थोड़े कम, और थोड़ी सी हम सिलाई में शेप देंगे। मुड्ढों की साइड हम हल्की सी शेप दे देंगे, 0.5 इंच नहीं देनी है, 0.5 इंच से बहुत कम देनी है, तो थोड़ी सी हम शेप दे देंगे इस तरह से यहाँ पर। ये पूरी बाजू की ड्राफ्टिंग मैंने की हुई है, तो इसकी जो तैयार लंबाई है वो 7 इंच है। हमें 7 इंच न्यू बॉर्न बेबी के लिए बाजू की ड्राफ्टिंग करनी है, बाजू बनानी है। तो ये इतना इधर से सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर 7 इंच बैठती है। और इसकी टोटल लंबाई करीब 8.5 इंच आपको लेनी है अगर पूरी बाजू आपको बनानी है इस तरह से। और जो हमने चौड़ाई ली है वो मुड्ढों से 1 इंच ज्यादा हमने इसकी चौड़ाई ली है, 3.5 इंच हमारे मुड्ढे थे, तो 4.5 इंच मैंने इसकी बाजू की चौड़ाई ली है इस तरह से। ये भी मैंने डबल किया हुआ है। और यहां से देखिए इस तरह से इस जगह 1.5 इंच पर हमें इस तरह से यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगा के ये शेप देनी है। और ये गहराई भी आगे की तरफ आप इस गहराई को भी थोड़ा सा आप दे सकते हो, अगर मुड्ढों में देनी है गहराई तो आपको बाजू में भी देनी पड़ेगी इस तरह से, ये यहाँ पर आपको शेप देनी है। और आगे की जो चौड़ाई है वो हमें यहाँ पर 3 इंच ऐसे थोड़ा कम हम रख सकते हैं आगे के लिए, जो बाजू की गोलाई है, और करीब 0.5-1/2 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो इस तरह से ये हम पूरी बाजू लगाएंगे। इसके बाद 3 महीने से 6 महीने तक के बच्चे की नाप का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हम इसकी लंबाई लेंगे वो अपनी इच्छा के अनुसार लेंगे, आप लंबाई कितनी भी इसकी रख सकते हैं ये बच्चे के अकॉर्डिंग। और जो हमें चौड़ाई लेनी है, चौड़ाई भी चाहे तो आप नाप भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी जो तैयार लंबाई ये चौड़ाई ली हुई है सॉरी, तो वो मैंने 0.5 इंच के आसपास यहाँ से ली हुई है। तो जो इसकी चेस्ट बैठती है वो करीब करीब 20 इंच से थोड़ा कम बैठती है। इस तरह से हमें इसकी चौड़ाई लेनी है, या आप चेस्ट भी नाप सकते हैं बच्चे की। और जो हमें तीरा लेना है वो करीब करीब 0.25 इंच हमें तीरा लेना है इसका, और 0.25 इंच ही हमें इसके मुड्ढे लेने हैं इस तरह से। और जो गले की गहराई लेनी है इसकी भी हमने 1.5 इंच गले की गहराई ली हुई है, आप 1.5 से 1-2 पॉइंट ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे 3 महीने के बच्चे की आप बना रहे हो तो 1.5 ले सकते हो, और अगर 6 महीने तक की बना रहे हो तो आप 0.25 तक आप इसको ले सकते हो। और जो गहराई मैंने ली हुई आगे से वो 2 इंच ली हुई आगे के गले की गहराई, और पीछे आप 1 इंच की या 1.5 इंच की आप शेप दे सकते हैं। और इसको भी आपको 2 या 2.5 इंच तो जरूर खुला रखना पड़ेगा आगे से या पीछे से इस तरह से, और इधर आपको 0.5 इंच से थोड़ी कम इधर आपको शेप देनी है,
और ये मुड्डों के यहाँ आपको ये गहराई भी थोड़ी सी करनी है इस तरह से, और इससे करीब मुड्ढों से करीब 3 इंच नीचे आपको हल्की सी कटिंग में भी और हल्की सी सिलाई में भी आपको इसकी शेप देनी है। और बाजू आपको इसी तरह से लगानी है जैसे मैंने न्यू बोर्न बेबी की बाजू का ड्राप आपको बताया था, इसी तरह से अगर आपको आधी बाजू भी आप लगा सकते हैं और आप इसमें यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं, आप जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद 7 महीने से 1 साल तक के बच्चे की नाप का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हमें इसकी लंबाई लेनी होती है वो लंबाई जितनी हमारी तैयार लंबाई है उससे हम 1.5 से 2 इंच ज्यादा उसकी हम लंबाई लेंगे मोड़ने के लिए और सिलाई के लिए। और जो चौड़ाई हम इसकी लेंगे वो चौड़ाई लेंगे चेस्ट का 1/4 जमा 1 इंच, इस तरह से बीच में से, इस तरह से मैंने इसको भी फोल्ड किया हुआ है, इस तरह से फोल्ड करके जैसे इसकी चेस्ट करीब करीब मैंने 20 इंच ली हुई है, तो ये यहाँ पर हमारा 5 इंच, हमारे यहाँ पर फिटिंग का निशान ये 5 इंच पर है और इससे 1 इंच ज्यादा सिलाई के लिए लिया हुआ है। और जो तीरा लेने का इसका तरीका है, तीरा और मुड्ढा मुड्ढे लेने के, वो मैं आपको बता रही हूँ। या तो आप इसके जो मुड्ढे लेंगे वो इस तरह से आप 4 इंच ले सकते हैं मुड्ढे और तीरा, जैसे तीरा इसके 4 इंच है और 4 इंच ही आप इसके मुड्ढे ले सकते हैं इस तरह से। या एक दूसरा तरीका ये भी है, जैसे इसकी चेस्ट हमारी यहाँ पर तैयार, हमारी फिटिंग यहाँ पर 5 इंच पर बैठती है, तो आप जितनी हमारी तैयार चेस्ट की फिटिंग की नाप है उससे तीरा 1 या 1.5 इंच आप तीरा उसका कम ले, ये बिल्कुल सही हमारी मेजरमेंट बैठती है। यानी जितनी हमारी तैयार चेस्ट के निशान है उससे 1 या 1.5 इंच कम आप उसका तीरा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 इंच है ये, तो 1 इंच कम हमारा ये तीरा है इस तरह से। और जितना हमारा तीरा है उतने ही हमें मुड्ढे लेने हैं, और मुड्ढे हम तीरे से 1/2 इंच ज्यादा भी ले सकते हैं और हम उतने भी ले सकते हैं। मैंने 4 इंच इसके मुड्ढे लिए हुए हैं। तो दो तरीके तो ये हुए, एक तो मैंने बताया जितनी, जैसे 7 महीने से 1 साल तक के बच्चे का आप 4 इंच तक तीरा और 4 इंच तक मुड्ढे ले सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, जितनी हमारी चेस्ट है तो चेस्ट का 1/4 हिस्सा -1 या 1.5 इंच हम इस तरह से उसका तीरा ले सकते हैं। और यहाँ पर मुड्ढों पर मैंने ये 1/2 इंच से थोड़ी कम की शेप दी है, और इसी तरह से यहाँ पर करीब 3 इंच नीचे भी हमें कटिंग में भी और सिलाई में भी 1/2 इंच या उससे थोड़ी कम हमें शेप देनी है। और जो गले की मैंने चौड़ाई ली हुई है इसकी, वो 1.25 इंच या उससे थोड़ा सा कम हम ले सकते हैं गले की चौड़ाई। और जो गहराई मैंने आगे के गले की ली हुई है वो 2 इंच ली हुई है, और आप पीछे के गले में अपनी इच्छा के अनुसार शेप दे सकते हैं, 1 इंच भी 1.5 इंच भी आप दे सकते हैं इस तरह से। और ये भी आपको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा क्योंकि ये भी काफी छोटा होता है, यानी कि जैसे जितने छोटे बच्चे होते हैं और उनके गले भी काफी छोटे होते हैं, तो उनके गले हमें आगे या पीछे से खोलने पड़ते हैं ताकि उनके सिर में आसानी से आ जाए। और यहाँ पर हमें ये इस तरह से मुड्ढों की साइड थोड़ी सी शेप देनी होती है इस तरह से। और बाजू अगर आपको लगानी है तो बाजू सेम तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने बेबी के, न्यू बोर्न बेबी के मेजरमेंट में आपको बताई है। अब मैं 2 साल से 3 साल तक के बच्चे की नाप का तरीका आपको बता रही हूँ। तो इसकी जो लंबाई लेनी है हमें, लंबाई जितनी हमारी तैयार लंबाई है उससे हमें 1.5 या 2 इंच ज्यादा लेनी है सिलाई के लिए और मोड़ने के लिए। और जो चौड़ाई लेनी है वो हमें लेनी है चेस्ट का 1/4 जमा 1 इंच, इस तरह से बीच में से फोल्ड करके। तो मैंने जो इसकी चौड़ाई रखी हुई है वो हमारी यहाँ पर जो चेस्ट बैठती है तैयार 5.5 इंच पर बैठती है, करीब करीब 22 इंच चेस्ट बैठती है हमारी। आप अपनी नाप के अकॉर्डिंग इसकी ये चौड़ाई लेंगे। और जो हमें तीरा लेना है वो मैंने अभी आपको 2 तरीके तीरा लेने के बताए थे। या तो आप इस तरह से जैसे मैंने 2 साल से 3 साल तक के बच्चे का तीरा, आप 4.5 इंच आप तीरा ले सकते हैं और 4.5 इंच तक ही आप इसके मुड्ढे ले सकते हैं। या फिर आप इस तरह से उसको लीजिए, जैसे यहाँ पर हमारी चेस्ट के निशान हमारी 5.5 इंच पर बैठती है, तो इससे 1 इंच कम यानी 4.5 इंच हम तीरा ले सकते हैं इस तरह से। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप बच्चे के शोल्डर भी नाप सकते हैं, या आप किसी पुराने कपड़े से आप बच्चे का तीरा भी नाप सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं आपके पास। और जो मैंने इसके गले की चौड़ाई ली हुई है वो 2 इंच ली हुई है, और आगे के गले की गहराई मैंने, आप 2 इंच से 2.5 इंच तक आगे के गले की गहराई रख सकते हैं, और पीछे के गले में भी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, 1 इंच भी और 1.5 इंच भी। और इसको भी आपको आगे से खुला रखना है, यानी जब तक बच्चा ज्यादा छोटा है तब तक हमें आगे या पीछे से थोड़ा खुला जरूर रखना पड़ेगा।
और इस तरह से यहाँ पर 3.5 या 4 इंच पर हमें नीचे यहाँ शेप देनी है, हल्की सी कमर पर गहराई देनी है, और यहाँ मुड्डों की साइड शेप देनी है, यहाँ पर मुड्डों में हमें हल्की सी गहराई देनी है इस तरह से। इसके बाद 4 साल से 6 साल तक के बच्चे की नाप का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो लंबाई इसकी भी इसी तरह से लेनी है, तैयार लंबाई से 1.5 या 2 इंच ज्यादा, और जो हम चौड़ाई लेंगे वो चेस्ट का चौथा जमा 1 इंच हम उसकी चौड़ाई लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने इसकी जो चेस्ट ली हुई है वो इस तरह से हमारी यहाँ पर 6 इंच के आसपास है, यानी 24 इंच के आसपास इसकी चेस्ट हमारी बैठती है। लेकिन आप अपनी चेस्ट की नाप लेके बच्चे की, तब आप इसकी चौड़ाई लेना। और जो हमें इसका तीरा लेना है वो हमें तीरा लेना है इसका 5 इंच, और 5 या 5.5 हम मुड्ढे ले सकते हैं। मैंने 5 इंच ही मुड्ढे लिए हुए हैं। मैंने बताया था आपको कि हम तीरे से मुड्ढे 1/2 इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो बच्चे की हेल्थ पर डिपेंड करता है। और चौड़ाई आपको मैंने वो बताया था कि जितनी हमारी चेस्ट है उससे 1 इंच हम कम यहाँ पर तीरा ले सकते हैं, और नहीं तो आपको 5 इंच तीरा और 5 इंच मुड्ढे लेने हैं। और जो गले की चौड़ाई है वो 2 इंच या उससे 1-2 पॉइंट ज्यादा भी ले सकते हैं इस तरह से। और जो गले की आगे के गले की गहराई है वो 3 इंच से 3.5 इंच तक हम आगे की गले की गहराई ले सकते हैं, और पीछे के गले की गहराई आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको गहराई दे सकते हैं इस तरह से। और मुड्ढों की साइड भी हल्की सी शेप देंगे इस तरह से, और आगे के मुड्ढों में भी हल्की सी गहराई देंगे। और इसी तरह से यहां से मुड्ढों से करीब 3.5 या 4 इंच नीचे हम हल्की सी गहराई देंगे कटिंग में भी और सिलाई में भी। इसके बाद मैं 7 साल से 9 साल तक के बच्चे की नाप का तरीका आपको बता रही हूँ। तो लंबाई इसकी भी हमें इसी तरह से लेनी है, जितनी हमारी तैयार लंबाई है उससे 1.5 या 2 इंच हमें ज्यादा लेनी है, और चौड़ाई इस तरह से बीच में से फोल्ड करके चेस्ट का चौथा जमा 1 इंच या 1.5 इंच हमें चौड़ाई लेनी है इस तरह से। तो इसमें मैंने चेस्ट 28 चेस्ट के हिसाब से मैंने इसकी ड्राफ्टिंग की हुई है, आप बच्चे की नाप के अकॉर्डिंग करना। और मैंने तीरे के जैसे 2 तरीके बताए थे, या तो जितनी हमारी चेस्ट है उससे 1 या 1.5 इंच कम हमें उसका तीरा लेना है। जैसे हमारी चेस्ट यहाँ पर 7 इंच बैठती है, तो देखिए 5.5 इंच हमारा ये तीरा है, यानी इससे 1.5 इंच कम। या फिर आप जैसे 7 साल से 9 साल तक के बच्चे का तीरा आप 5.5 इंच रख सकते हैं, और मुड्ढे भी आप 5.5 इंच इस तरह से रख सकते हैं, और हल्की सी शेप आप मुड्ढों की साइड इस तरह से देंगे, और 1/2 इंच या उससे थोड़े कम आप मुड्ढों में ये गहराई देंगे। और जो गले की चौड़ाई मैंने ली हुई है वो 2.25 इंच के आसपास गले की चौड़ाई ली हुई है, और आगे के गले की जो गहराई ली हुई है मैंने 3.5 इंच से 4 इंच तक आगे के गले की गहराई ली हुई है, और पीछे आप 1.5 से 2 इंच तक की शेप दे सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो इसको आगे से इसको खोलने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बच्चे के सिर में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती इस तरह से। और जैसे मैंने बताया कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ पर, तो आप इसको कमर के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी कमर के नाप लेके उसके अकॉर्डिंग आप 4 साढ़े 4 इंच नीचे उसकी कमर के अकॉर्डिंग आप उसमें कटिंग और शेप दे सकते हैं। और बाजू आपको सेम तरीके से लगानी है जैसे मैंने न्यू बोर्न बेबी की ड्राफ्टिंग में बताया था आपको। इसके बाद मैं 10 साल से 12-13 साल तक के बच्चे की नाप का तरीका आपको बता रही हूँ। तो लंबाई हमें जितनी हमारी तैयार लंबाई है उससे 1.5 या 2 इंच ज्यादा लेनी है, और चौड़ाई बिल्कुल सेम तरीके से हमें लेनी है, चेस्ट का चौथा जमा 1 या 1.5 इंच हमें चौड़ाई लेनी है। और जो हम इसका तीरा लेंगे वो इस तरह से लेंगे, तीरा मैंने देखे इसका 5.5 से थोड़ा सा मैंने ज्यादा लिया हुआ है, आप 5.5 तक इसका तीरा ले सकते हैं या 1-2 पॉइंट आप ज्यादा ले सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जितना हमारा तीरा है उतने ही हमने मुड्ढे लिए हुए हैं, 5.5 से 4.5 इंच तक हम इसके मुड्ढे ले सकते हैं इस तरह से। और 2 तरीके मैंने आपको तीरा लेने के बताए थे, या तो जितनी हमारी जैसे 7.5 इंच पर हमारी यहाँ पर चेस्ट हमारी बैठती है, तो इस तरह से इससे मैंने 1 या 1.5 इंच कम तक हम इसके ये तीरा ले सकते हैं, इतने मुड्ढे ले सकते हैं। और जो गले की चौड़ाई मैंने इसमें ली हुई है वो ली हुई है मैंने 2.25 इंच से 1-2 पॉइंट ज्यादा तक आप इसके गले की चौड़ाई ले सकते हैं। और जो गहराई ली है आगे के गले की वो 4 इंच से 4.5 इंच तक आप आगे के गले की गहराई ले सकते हैं, और इसी तरह से आप पीछे के गले में अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप गहराई दे सकते हैं, आप 1.5 इंच या 2 इंच तक आप गहराई दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं।
आप मतलब इस तरीके से आप गहराई दे सकते हैं कि बच्चे के सिर में आसानी से आ जाए, उसको आगे से खोलने की जरूरत ना पड़े। और इसी तरह तरह मुड्डों की साइड आपको हल्की सी शेप देनी है, और आगे की साइड से आपको आधा इंच या उससे थोड़े इंच थोड़ा कम आपको मुड्ढों में शेप देनी है। और इसी तरह आपको 4 या 4.5 इंच पर इस तरह से आप इसमें कमर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी आप फिटिंग दे सकते हैं इसमें। इसके बाद मैं 14 साल से 15-16 साल तक के बच्चे की नाप का तरीका आपको बता रही हूँ। तो लंबाई हमें उसी तरह से लेनी है जितनी हमारी तैयार लंबाई है, उससे करीब 1.5 या 2 इंच हमें ज्यादा लेनी है। और चौड़ाई भी बिल्कुल सेम तरीके से लेनी है, चेस्ट का चौथा जमा 1 या 1.5 इंच हमें लेनी है इस तरह से। और जो हमें इसका तीरा लेना है वो करीब 6 इंच हमें इसका तीरा लेना है इस तरह से, और 6 इंच हमें इसके मुड्ढे लेने हैं। या वही तरीका आपको मुड्ढे और तीरे का लेना है जो मैंने बताया है। जैसे हमारी 7.5 इंच पर यहाँ पर हमारी चेस्ट के निशान है, तो इससे मैंने ये करीब 1 इंच 1.5 इंच कम हम मैंने इसका तीरा लिया हुआ है, और 1.5 इंच कम मैंने इसके इतने ही मैंने मुड्ढे लिए हुए हैं। आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। और जो गले की मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो 2.5 इंच तक आप इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। और जो आगे के गले की गहराई हम लेंगे वो हम लेंगे करीब 4.5 से 5 इंच तक हम आगे के गले की गहराई ले सकते हैं इस तरह से। आप 4.5 इंच भी ले सकते हैं, 5 इंच भी ले सकते हैं, और पीछे भी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसकी जो कमर की हमारी नाप है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करीब ये देखिए करीब 6 इंच के आसपास, 6 इंच नीचे हम उसको कमर की शेप दे सकते हैं। और यहाँ पर मुड्ढों में भी हम 1/2 इंच की शेप देंगे, और करीब 1/2 इंच की शेप हम गले से तीरे तीरे की साइड मुड्ढों की साइड यहाँ देंगे। तो इस तरह से ये हमारे 14 साल से 15-16 साल तक के बच्चे की नाप का तरीका होता है। और आगे की नाप मैंने अपनी वीडियो में डाली हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।